बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं मस्तानी। ही कहानी आहे अजिंक्य योद्ध्याची, बाजीरावाची, आणि त्याच्या सोबत खांद्याला खांद्या लावून भिडणारी मस्तानी। बाजीराव मस्तानीची ही कहाणी आहे आणि माझ्यासोबत आता रणवीर आणि दीपिका आहेत। खूप स्वागत आहे तुमचं। धन्यवाद। हर हर महादेव। क्या बात। रणवीर, पहला सवाल आपको। जी। बिट्टू से बाजीराव तक। हाँ, really? क्या बात है, सफर journey. बहुत बढ़िया है। हाँ जी जी, 10 तारीख को मैं मेरे 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे इंडस्ट्री में। बिट्टू शर्मा, वाह किधर कैरेक्टर, और एक पेशवा बाजीराव कहाँ। तो मेरी खुश नसीबी है कि 5 सालों में इतनी वैरायटी मिली मुझे प्ले करने के लिए। आई ऑलवेज यूज टू होप एंड प्रे कि ऐसे किरदार मिलते रहें एक के बाद एक, जहाँ वर्सिटिलिटी दिखे, क्योंकि वर्सिटिलिटी एक क्वालिटी है एक्टरों में जो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ खुद, और ऐसा एक एक्टर बनना चाहता हूँ जो वर्सिटाइल हो। तो मुझे मौका मिला एंड ईच कैरेक्टर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर, चाहे आप लुटेरा, रामलीला, दिल धड़कने दो, या फिर बाजीराव मस्तानी में। तो वो वैरायटी दिखाने का मुझे चांस मिला, तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानता। तूफान रोके तो हम आग का दरिया, ये शब्द है बाजीराव पल्लाड़ के। हर हर महादेव। कभी सोचा था आप हिस्टोरिक कैरेक्टर करोगे और वो भी बाजीराव पेशवा? हमेशा, मैं तो बहुत, मैं तो हमेशा से एक सपना था कि मैं एक वॉरियर प्ले करूं, गैंगस्टर प्ले करना था मुझे हमेशा स्क्रीन पर। वॉरियर तो इट वाज नंबर वन ऑन माय लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स दैट आई वांटेड टू प्ले, क्योंकि मेरे नाम में ही है ना, मेरे नाम का मतलब ही है वॉरियर। तो मैं ये मानता हूँ दैट आई वॉज बॉर्न टू प्ले पेशवा बाजीराव इन बाजीराव मस्तानी। ये जॉनर ऑफ फिल्म्स जो होती हैं, हिस्टोरिकल्स, पीरियड, वॉरियर, एपिक्स, मुझे बहुत पसंद आती है। जैसे कि स्पार्टिकस, ग्लैडिएटर, ट्रॉय, अलेक्जेंडर, जो भी हो, 300 इवन, तो मुझे ये जॉनर बहुत पसंद है। मैं चाहता था कि मैं भी ऐसे कुछ करूं, तो ये मौका मिला और आई होप आई हैव डन जस्टिस टू दिस अपॉर्चुनिटी दैट आई वैल्यू सो मच। आप तो हर कैरेक्टर में जैसे जान डाल देती हो, और ये कैरेक्टर ही ऐसा है, मस्तानी का कैरेक्टर है बहुत, मतलब जिसकी खूबी सब जानते हैं। ये कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, वो बस खूबसूरत है ऐसा भी जाना जाता था, लेकिन वो एक वॉरियर है, और ये दोनों पहलू इस सिनेमा में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको कैसा लगा? बहुत ही मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला थ्रू दिस कैरेक्टर, क्योंकि ये सिर्फ एक औरत नहीं है, जैसे आपने कहा एक वॉरियर प्रिंसेस भी है, बट एट द सेम टाइम एक वॉरियर प्रिंसेस होने के नाते वो डेलिकेट भी है, मासूम है। सो टू फाइंड दैट बैलेंस, एक एक्टर को इन सारे इमोशंस को पोर्ट्रे करना, वल्नरेबिलिटी एट, यू नो, उसके हाथ में एक तलवार होगा बट एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी वल्नरेबल एज वेल, सो टू फाइंड दैट बैलेंस। जो तूफानी दरिया से बगावत कर जाए वो इश्क, हरे दरबार में जो दुनिया से लड़ जाए वो इश्क, जो महबूब को देखे तो खुदा को भूल जाए वो इश्क। इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें सजा भी मिल सकती है। किसकी तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे, इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे। मुझे ये बहुत ही चैलेंजिंग लगा, बहुत ही एग्जॉस्टिंग था मेरे लिए, हम सब के लिए इनफैक्ट, फिजिकली, मेंटली और चैलेंजिंग, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली बहुत ही चैलेंजिंग था हम सब के लिए। और एक ऐसी फिल्म है जहाँ शायद कुछ
महीने बाद भी शायद हम उसी में व्हाट डू यू से गुस्से हुए थे और घुसे रहेंगे. ऐसा नहीं है कि फिल्म शूटिंग ख़त्म हो गई है या अब रिलीज़ हो रही है और वो हमारे सिस्टम से निकल जाएगा, ऐसा नहीं है. आई थिंक काफ़ी काफ़ी समय तक वो हमारे सिस्टम के अंदर ही रहेगा, क्योंकि इतना सब कुछ करना पड़ता है एक कैरेक्टर को कन्विंसिंग बनाने के लिए या उसको पर्दे पर जान देने के लिए, और बहुत ही मुश्किल रहा है हम सब के लिए. साल बाद आपको ये पूछा जाए कि आपका वो मतलब बहुत मेमोरेबल किरदार कौन सा था, तो क्या वो मस्तानी होगा? मतलब ऑल ऑफ देम मे बी 20 इयर्स और बहुत ऑल ऑफ देम ऑफ कोर्स मस्तानी विल डेफिनेटली बी ऑन दैट लिस्ट. अगर 20 साल बाद जब मैं यू नो व्हेन आई लुक बैक एट माय करियर, ऑब्वियसली तब लिस्ट शायद अलग होगा, पर अब हम बैठ के बात कर रहे हैं, मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि मस्तानी मेरे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग रोल रहा है और मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिला है. एंड मस्तानी एज अ वुमन, एज एन औरत, ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है कि आज भी ऐसे औरत हैं दुनिया में जो मस्तानी की तरह हैं, जो वॉरियर्स हैं, जो बहुत ही नाजुक हैं, जो वल्नरेबल हैं, इमोशनल हैं, बट एट द सेम टाइम एक वुमन, एक औरत का जो एक स्ट्रेंथ है, सो आई थिंक ऑल दोज क्वालिटीज़ यू नो मैंने देखा है मस्तानी में और मैंने उसको परफॉर्म किया है, और बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर है मेरे लिए. में आपने बंदूक हाथ में थी, लेकिन यहाँ पे तो तलवार है और दीपिका के हाथ में तलवार तो पहली बार हम देख रहे हैं, तो मतलब एक्शन मास्टर तो ये है. नहीं एक्शन तो उन्होंने की अपनी सेकंड फिल्म में करी थी, आई थिंक एक्शन है ना, और कमाल का एक्शन था, क्योंकि जिस हम शूटिंग कर रहे थे श्याम कौशल साहब के साथ, और आपने कुछ टिप्स दिए होंगे? मैंने टिप्स नहीं दिए, मैंने टिप्स लिए. क्या बात है. हां, आप YouTube पर देखिएगा चांदनी चौक टू चाइना में क्या एक्शन किया था, वायर वर्क और ये वो एकदम लारा क्रॉफ्ट लग रही थी. और अब तो और भी एक्शन करेंगे दीपिका, है ना दीपिका, करेंगी ना आगे जा के? हाँ क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं. तो इट वाज आई वाज एक्चुअली मैं काफ़ी सरप्राइज था, क्योंकि रामलीला में इतना एक्शन तो नहीं था, इसमें इनको बहुत ज़्यादा करना पड़ा. उसको देखकर मैं काफ़ी सरप्राइज हो गया, तो बहुत कमाल का करती हैं, और जो पावर चाहिए होता है और प्रिसिजन एंड नो हाउ कि वो आप उनको स्क्रीन पर उनके शॉट्स देखें, अगर मैं मॉनिटर पे बैठ के इनके शॉट्स देखता था, एक्सपर्ट लगती है, एकदम कन्विंसिंग, जैसे कि बचपन से तलवार चला रही हूँ, जैसे कि मस्तानी. तो आई थिंक क्रेडिट टू उनकी एक जो क्वालिटी है, मैं बहुत एडमायर करता हूँ उनकी, ऑलराउंडर जिसे कहते हैं ना, वो सब कुछ कर सकती है. कथक डांस भी किया है, इमोशनल सीन्स किए हैं, लव सीन्स, रोमांसिंग किया है, एक्शन किया है. तो दीपिका के काफ़ी सारे डिफरेंट शेड्स एज अ परफॉर्मर आपको देखने को मिलेंगे बाजीराव मस्तानी में. उनके इतने सारे चाहने वाले हैं, और आई थिंक वो पर्टिकुलरली इन ये कैरेक्टर देखकर बहुत बहुत खुश होंगे. आई थिंक शीज हैड एन इनक्रेडिबल ईयर. एक ही साल में जो वैरायटी दिखाई है उन्होंने अपने फिल्म्स के द्वारा, एक पीकू, एक तमाशा और फिर बाजीराव मस्तानी, आई थिंक मैं तो दाद देता हूँ उनकी.
एज अ परफॉर्मर, लेकिन आई होप चूँकि ये फिल्म मेरे साथ कर रही हैं कि मस्तानी विल बी इवन मोर स्पेशल एंड ऑल द मोर स्पेशल देन एवरी अदर कैरेक्टर. बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी ने. हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं मस्तानी. एक्शन की बात करी जाए तो एक गिफ्ट लाया है मैंने, तो मैं बस बताती हूँ. वाओ, सो ये आपके लिए. हाउ स्वीट, थैंक यू. और ये नहीं, थैंक यू वो तो ठीक है, लेकिन एक सवाल भी है उसके साथ जुड़ा हुआ. ये ऐसे आप हाथ में रखिए कि आप गिर गए घोड़े से. हाँ, और जैसे बाजीराव का रिश्ता काशीबाई के साथ है, मस्तानी के साथ है, लेकिन इनके साथ भी बहुत बढ़िया रिश्ता है. बहुत बढ़िया रिश्ता. और अजिंक्य योद्धा, हम जैसे मराठी में बोलते हैं, अजिंक्य योद्धा कहलाया इसके वजह से. जी हाँ, बिल्कुल. मेरा वाकई में बहुत करीब रिश्ता था अपने घोड़े से, जिसके साथ मैंने पूरी फिल्म की शूटिंग की. उसका नाम था आर्यन. जीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते. बहुत ही कमाल का लड़का था, मेरा वाकई में सच्चा मित्र था. मैं दिन भर उससे बातें करते रहता था, बिस्किट खिलाते रहता था, और जब हम काम भी नहीं कर रहे थे एक साथ तो मैं काफ़ी वक्त उसके साथ स्पेंड करता था कि वो मेरे साथ कंफर्टेबल फील करे. और जब मैं गिर गया घोड़े से और मेरा कंधा टूट गया, उस वक्त भी उसकी एक वीडियो है मेरे पास, अगर आप देखो तो आर्यन ने थोड़ा बहुत मुझे बचा कर निकल गया था. तो वो वाकई में मेरा लगाव था उससे, एंड इट वॉज टू वेज. अभी भी मैं मिलता हूँ तो बहुत प्रेम मोहब्बत से मिलता हूँ. बहुत ही हैंडसम लड़का था, और सारे हम 200-500 घोड़े थे, और टेम्परमेंट वाइज ही वॉज द फाइनेस्ट कामेस्ट हॉर्स, एंड विच इज़ वाई ही वॉज सेलेक्टेड फॉर मी. बहुत ही कमाल का लड़का था, एंड आई रियली मिस हिम, आई रियली डू. आंधी रोके तो हम तूफान, तूफान रोके तो हम आग का तेरी. ये शब्द है बाजीराव पल्लाड़ के. हर हर महादेव. रणवीर की एनर्जी और बाजीराव की एनर्जी, मतलब जैसे डबल हो जाती है जब रणवीर था. मैं ऐसे वीडियोस लेता था, मैं और आर्यन साथ में, दीपिका को हाय बोलो फिर वो ऐसे ऐसे करता था. सच. और दीपिका जी, आपके लिए भी एक गिफ्ट लाया है मैंने. तो दिस चूड़ी. थैंक यू. फ्रॉम जयपुर. थैंक यू. और जैसे आपका बहुत ही फेमस डायलॉग है, सुहागन के सर का ताज है सिंदूर, और लेकिन अभी ये चूड़ी की अहमियत भी ज़्यादा है मस्तानी को और है. आपको क्या लगता है? ये सजने संवारने का एक माध्यम है, और इसे पहन के आप खूबसूरत लगेंगी. और वाओ, क्या बात है, अभी सुपर. थैंक यू. और दीपिका, चूड़ियां बनती हैं दुकानों में, जोड़ियां ऊपर आसमानों में. क्या बात है, क्या बात है. You just made that up. No, it's a song. और एक जोड़ी अभी मेरे सामने है. दीपिका जी, आपको एक सवाल है कि पूना में आपने मस्तानी महल देखा होगा कभी? जी, विजिट किया. देखा, अभी अभी देखा जब हम वहाँ शूटिंग कर रहे थे, पर वहाँ पे शूट करने का मौका नहीं मिला. ऑब्वियसली लॉजिस्टिकली एक सेट बनाना काफ़ी आसान होता है हमारे लिए, क्राउड कंट्रोल और लाइटिंग, और एक हेरिटेज साइट को प्रिजर्व करना चाहते थे हम, तो वी बिल्ट द सेट. पर जब हम पूना गए शूटिंग के लिए, एक्चुअली हम वी वर शूटिंग ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ पूना, पर हम सब गए वहाँ देखने. बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी ने. हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं मस्तानी. पूना में अभी थोड़ा सा सब बोल रहे हैं कि क्या ऑथेंटिक है नहीं है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, तो एज एन एक्टर आपका क्या कहना है इस पर दोनों को? ये सवाल एज एन एक्टर मैं तो कहूँगा, भैया प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर से आप बात कीजिए. मेरी तरफ से तो मैं यही कहना चाहूँगा, मुझे एक स्क्रिप्ट दिया जाता है,
मुझे जो भी करना है वो सारा कुछ मुझे उस स्क्रिप्ट में मिलता है, स्क्रिप्ट से मिलता है. उसके आगे और पीछे सब डायरेक्टर का प्रेरोगेटिव होता है, प्रोड्यूसर का और राइटर का. लेकिन दो बातें हैं, एक तो मिस्टर भंसाली खुद सामने से कह रहे हैं कि ये इट इज़ अ फिक्टिशियस पीस ऑफ वर्क. हमारी फिल्म के शुरू होने से पहले एक डिस्क्लेमर का स्लेट भी लगेगा. और पेशवा घराना का इतिहास ये एक किताब है जिससे जिसका इंटरप्रिटेशन मिस्टर भंसाली ने अपने तरीके से दर्शाया है स्क्रीन पर. तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप पहले पिक्चर देख लीजिए. आंधी रोके तो हम तूफान, तूफान रोके तो हम आग कतरी. ये शब्द है बाजीराव पल्लाड़ के. हर हर महादेव. ऐसे एक्टर आपको ये जिम्मेदारी नहीं लगती कि अगर वो प्रोजेक्ट हो रहा है तो उस पर रिसर्च हुआ है नहीं है क्या? जी मुझे तो एक मोटा सा रिसर्च डॉकेट हाथ में दिया गया था जिस पर मैंने काफ़ी सारी 21 दिन तक मैंने होमवर्क करी उस पर. आई बिलीव मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डिग्री तक होती है कि जो मटेरियल मुझे दिया गया है, जो लाइंस है, जो इमोशंस हैं, उसको मैं प्रॉपरली स्क्रीन पर इफ़ेक्टिवली दर्शा सकूँ. और अपनी तरफ से मैं 110% देता हूँ हमेशा उसकी, टू दैट एक्सटेंट. उसके बियॉन्ड इट इज़ नॉट माई प्लेस टू स्पीक, लेट अलोन मी बिलीविंग इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट्स नॉट माई प्लेस ऑफ पोजिशन टू, इट्स नॉट माई फिल्म. इट्स द डायरेक्टर्स मीडियम, इट्स हिज कैनवस, इट्स हिज स्टोरी. एंड आई थिंक दे वुड बी बेटर इक्विप्ड ऑर द राइट पीपल टू आंसर टू सच क्वेरीज एंड क्वेश्चंस. इतना सब कुछ बोला है इसमें, आई हैव नथिंग टू से. दीपिका जब मूवी स्वीकार करती है तो बहुत सोच समझ के करती है, तो वो तो जाहिर है. आई थिंक फिल्म देखने के पहले अक्यूज करना या ये सही नहीं होगा. आई थिंक फिल्म देखने के बाद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, आई थिंक तब हम बैठ के डिस्कस कर सकते हैं. पर फिल्म के पहले बैठ के इट्स नॉट राइट टू जंप टू कंक्लूजन्स. पहले फिल्म देखेंगे और फिर बात करेंगे. एंड दूसरी बात, आई थिंक जैसे रणधीर ने कहा कि हम क्रिएटिव लिबर्टी ज़रूर लेते हैं फिल्मों में. ये पहली फिल्म नहीं है जहां हमने ऐसे किया है. बहुत फिल्मों में हमने किया है जहां हम किसी एक कैरेक्टर के ऊपर हम उसको बेस करते हैं. बट ऑब्वियसली फॉर अ फिल्म एक क्रिएटिव लिबर्टीज हम ज़रूर लेते हैं, लाइक वी हैव इन बाजीराव मस्तानी. सो हाँ, तो मैं यही कहूँगी. एंड मोर देन दिस, आई थिंक it's not the place of an actor to comment on that. Agar kuch hai to I think the director will be the right person to ask. बस लास्ट सवाल, काशीबाई नाम लेती है तो मराठी में हम जैसे बोलते उखाणा, उखाणा घेला पाहिजे, तो मस्तानी ने उखाणा घेतला तर काय घेईल? मतलब मस्तानी अगर बाजीराव का नाम लेना चाहेगी तो कैसे लगी? एक रिचुअल सा है, फनी सा. सवाल अच्छा है. हिंदी में भी ले सकते हो. यू नॉट कॉल मी एनीथिंग. आप पिक्चर देख लीजिएगा 18 दिसंबर. पिंगा
थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा. और 18 दिसंबर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं. बस मराठी में दर्शकों को आप बताएं. मराठी में मैं बोलती हूँ. अच्छा जी. हाँ. 18 दिसंबर ला बाजीराव मस्तानी. बाजीराव मस्तानी नक्की बगा. नक्की बगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. धन्यवाद. हर 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 महादेव. थैंक यू. थैंक यू. बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं. हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं मस्तानी.